प्रदेश में किसान व अड़ती तीन अध्यादेशों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में कृषि बिल पास हो गए हैं, लेकिन किसानों व अड़तियों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वही विपक्ष भी किसानों का समर्थन कर कृषि बिल विरोध कर रहा है। आदेश दिया गया है कि 24 सितंबर का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में उत्तरी जोन हरियाणा के अंदर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और इसका मूल कारण ये है कि सरकार विरोधी अध्यादेश तीन जारी किए हैं सरकार ने, उसके विरोध में ही हमने ये प्रदर्शन किया है। 10 तारीख को किसानों पर लाठियां बरसी पिपली में, 20 तारीख को बंद का आह्वान किया। हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुस्तैदी से और तल्लीनता से उसमें भाग लिया, और आज हम काला दिवस मना रहे हैं जिसमें प्रदर्शन है, और उसके बाद हम पुतला भूकेंगे, और उसके बाद हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से। और जो तीन अध्यादेश हैं, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि भाजपा सरकार कहती है कि किसान को मजबूत करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए ये अध्यादेश जारी किए गए हैं, परंतु जिसको समृद्ध होना वो कहते हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक छोटी बात मैं कहता हूँ कि अगर इन बिलों को मान लिया जाए, सरकार ने पास भी करा लिया अपनी मत से या लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसके अंदर जो अध्यादेश का मूल कारण था पहले 1955 के अंदर एसेंशियल गुड्स एक्ट था, उसको समाप्त कर दिया। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अन्न का कितना भी भंडारण कर सकता है, कितना भी उसका प्रयोग कर सकता है। अडानी और अंबानी जैसे लोग इस फील्ड में आएंगे, भंडारण करेंगे, और काला बाजारी फिर से आरंभ होगी। एक कारण इसका ये है, और एक जो बार बार सरकार के द्वारा बात कही जाती है MSP समाप्त नहीं करेंगे, जानकर आश्चर्य होता है कि आज इस वक्त केवल 6% फसलें ऐसी हैं जो MSP के द्वारा ही खरीदी जाती हैं, वरना अधिकतर फसलें वैसे ही खरीदी जाती हैं। और जो नारा देख रही थी पार्टी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, कर्जे माफ करेंगे, ये सब एक घोषणा था, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट केवल हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार उसने लागू किया है। वहाँ पर एक एकड़ का जो मुआवजा है 20,000 रुपये है, और हर प्रकार की सुविधा देते हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कही गई है। वहाँ पर जो फसल खरीदी जाती है MSP के आधार पर नहीं, आम आदमी पार्टी हर कार्यक्रम जो शांति प्रिय होगा उसमें भाग लेंगे, और हमारा एक ही है लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हम, पॉलिटिकल पार्टी हमारी ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर लॉ अबाइडिंग। हम हर शांतिपूर्ण धरना हो या किसी प्रकार की कॉल हो उस पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक ही निर्णय है कि हमारी वोट की राजनीति नहीं है, हम तो किसानों के असली मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और अन्नदाता जो सुसाइड करता है, इतनी बड़ी विडंबना है कि पूरे भारत का पेट भरता है, भूखा सोता है, इसी को आधार बनाकर हम चले हैं, और लंबे काल तक हम संघर्ष करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे, हमारा संगठन जो है आम आदमी पार्टी कार्य करता रहेगा। और करनाल के अंदर सेम सिटी है, मित्रों से बात करके हम यहाँ पर एक परमानेंट धरना स्थल बनाकर वहाँ पर बैठने का प्रोग्राम। आज धरना प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन अध्यादेश जो किसानों के लिए लाए हैं उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज पूरा देश इस अध्यादेशों के खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि जो किसान है, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर टिकी हुई है इस देश, तो उस देश के किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या किया है कि जो ASMC जो एक्ट लागे है, APMC जो एक्ट है, उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, वो उनकी फसल को भंडारण कर लेगा किसी भी रेट के ऊपर। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो प्रावधान है उसे हटा दिया गया है। जब किसी भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसकी जो लागत मूल्य है उसको भी हटा दिया जाएगा, तो वो किसान तो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, उसका तो बिल्कुल भविष्य अदर में आ जाएगा। तो आज हमने इसका ब्लैक डे मनाया है। ब्लैक डे मनाने का ये कारण है कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और इस अध्यादेशों के खिलाफ हैं, और हम किसान के साथ हर वक्त डट के खड़े हैं। और आज का जो धरना प्रदर्शन है, जैसे हमारे कौशिक साहब ने बोला है कि हम इसे परमानेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा अध्यादेश लागू हो जाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे पक्का ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो।